सब्सक्राइब करिए स्टूडियो तक को, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन हेडलाइंस के एक फ्रेश एपिसोड में। तो जानते हैं आज का हेडलाइंस। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HECL ने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पोस्ट अप्रेंटिस ग्रेजुएट एंड टेक्निकल ट्रेनी के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन करे थे वो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज करते हुए HECL ने लास्ट डेट को ग्रेजुएट ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी के एक्सटेंड कर दिया है। जो ये 25/4/2020 को होने वाली थी अब उसे एक्सटेंड करके 25/5/2020 को 5 बजे शाम तक कर दी गई है COVID-19 के कारण। आंध्र प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर आदिमूलपाव सुरेश ने कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश यानी कि BESAP APSSC एग्जाम 2020 को लॉकडाउन के 2 हफ्ते के बाद कराएगी। और ये डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने एक मीटिंग की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, उसके बाद ली गई है। वहीं तमिलनाडु के मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि के सेंगनाथन ने स्कूल्स के रीओपनिंग पे इन्फॉर्म करते हुए कहा कि HRD मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस के मीटिंग होने के बाद अब ये कोरोना वायरस लॉकडाउन पेंडेमिक को खत्म होने के बाद ही डिसीजन ली जाएगी कि कब स्कूल को ओपन करना है पूरी तरह से। और जब स्टेट और सेंट्रल से आदेश मिलेगी तभी स्कूल को रीओपन करने की कोई डिसीजन ली जाएगी। बुधवार को CBSE ने कहा कि क्लास 10th और 12th के पोस्टपोनेड पेपर को फर्स्ट पॉसिबिलिटी COVID-19 लॉकडाउन के लिफ्ट को ख़त्म होने के बाद ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को 10 दिन पहले इस बात की नोटिस दी जाएगी कि कब से उनकी पेपर शुरू होगी। साथ ही CBSE ने कहा कि क्लास 10th और 12th के 29 मेंस क्रूशियल सब्जेक्ट की पेपर ली जाएगी जो कि उन्हें आगे मदद करेगी एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लेने की। इन्हीं पेपरों का एग्जाम कंडक्ट की जाएगी CBSE के द्वारा। लगभग 2 हफ्ते जहां बीत चुके हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन MSBSHESE लास्ट पेपर SSC के कैंसिलेशन की, तो वहीं अब भी ये मार्किंग स्कीम एग्जाम की एक बड़ी प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है। वहीं जो 12 अप्रैल को शेड्यूल कर दी गई थी SSC की ज्योग्राफी पेपर जो कि अब पहले March 23 को होनी वाली थी, वहीं वोकेशनल सब्जेक्ट भी 2 या 3 दिन आगे कर दी गई थी, उसे भी कैंसिल कर दी गई थी ऑन डिमांड पेंडेमिक COVID-19 के कारण। वहीं ऑफिशियल स्टेट बोर्ड के ने बोला कि ये मार्किंग स्कीम उसी पेपर की जाएगी जो कि पेपर कैंसिल हो गई है। साथ ही उस कमेटी ने कहा कि ये इशू पहली बार क्रिएट हुई है डिपार्टमेंट के लिए, तो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे खंगाली जा रही है और उसे डिस्कस की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तभी उसे इम्प्लीमेंट की जाएगी और वो इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई को यदि खत्म हो जाएगी तो UP बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 4 मई से कॉपी की एवोल्यूशन को शुरू कर देगी। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि अगर COVID-19 के लॉकडाउन 2.01 को 3 मई के बाद खत्म की जाएगी तो एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वहीं UP बोर्ड के एंसर सीट को सस्पेंड कर दी गई थी एवोल्यूशन 18 मार्च को लॉकडाउन देखते हुए। वहीं एवोल्यूशन क्लास 10th और 12th के कॉपीज को 275 सेंटर पे होने वाली है। वहीं 1.47 लाख टीचर्स इसमें शामिल है जो कि 3 करोड़ कॉपी को चेक करेंगे। लगभग 5.61 मिलियन स्टूडेंट ने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को दी है जो कि 18 फरवरी को हुई थी। तो एजुकेशन हेडलाइंस में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।